अगर इस फोटो को हम ध्यान से देखें तो कुछ लोग हमें पेड़ की पूजा करते हुए दिख रहे हैं और इस फोटो में एक सर्कल माने एक चक्र की, लेकिन असल में वह पेड़ भगवान बुद्ध को संबोधित करता है। लेकिन गौतम बुद्ध तो ऐसे दिखते हैं ना, तो वह पेड़ से गौतम बुद्ध को क्यों संबोधित कर रहे हैं? चलो देखते हैं। गौतम बुद्ध ने जब बुद्धिज्म की शुरुआत की थी तो उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा और अपने डिसाइपल्स को भी मूर्ति पूजा ना करके केवल एक मददगार और अच्छी जिंदगी जीने की सलाह दी। फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेष जैसे कि बाल, दांत, राख को प्रिजर्व कर लिया गया। फिर उनके इन्हीं अवशेषों को 8 पत्थर के कास्केट्स में बंद कर अलग अलग राजाओं को सौंप दिया गया। उन राजाओं ने 8 अलग अलग स्तूपस बनवाकर उन 8 कास्केट्स को उनमें दफना दिया। अब 200 साल बाद सम्राट अशोक ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने उन 8 स्तूपस में से 8 कास्केट्स मंगवाए और उन्हें 84,000 डिफरेंट कास्केट्स में डिवाइड कर दिया और फिर दुनिया के कई कोनों में जाकर 84,000 कास्केट्स उनमें दफना दिए। उनमें से ही एक है आज का प्रसिद्ध सांची स्तूप। और फिर बढ़ते समय के साथ साथ लोगों ने गौतम बुद्ध को सिंबल की जगह मूर्तियों से संबोधित करना शुरू कर दिया।